हिमाचल में भारी त्रासदी आई हुई है और हिमाचल को प्राकृतिक आपदा राज्य घोषित कर दिया गया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, खुदा का प्रकोप है और इसको पटरी पर लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए। मैं हिमाचल की जनता का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, हिमाचल के सभी लोगों का, अधिकारियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का, कि वो इस चुनौती को लड़ाई की तरह न लड़कर युद्ध की तरह लड़ रही है। यानी कि हमने सारे अपने साजो सामान आम जनता के लिए खोल दिए हैं और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे रोड टेम्परेरी और बिजली पानी के कनेक्शन हमने सभी जगह जोड़ दिया और सब जगह बिजली पहुंच गई है। सबसे बड़ी बात यह है, जो परमानेंट इन रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम इस चुनौती से उभरेंगे और निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। तो केंद्र की टीम असेसमेंट करने के लिए आई थी, क्या वो पूरी रिपोर्ट तैयार हो गई है? और जो कि जैसा कि हमने देखा कि 12, 13, 14, 15 लगातार जो आपदा आई, लैंडस्लाइड हुआ, 16 लोग मरे, ये असेसमेंट के बाद हुआ, तो क्या दोबारा टीम आएगी और एक बार दोबारा रिपोर्ट पेश करेगी? निश्चित तौर पर, केंद्र के कुछ नियम हैं, सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट के नियम होते हैं और वो दोबारा भी आएगी। और हमें आशा है कि जो पहली जो टीम आई थी 7 से 11 जुलाई की, जो जल्दी भी आ गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी होगी और हमें कुछ ना कुछ राहत पैकेज इस दृष्टिकोण से हमें मिलेगा। सर, कहा जा रहा है कि दलगित राजनीति से ऊपर उठकर देखना है, भाईचारा निभाना है, और आपको राजस्थान ने सपोर्ट किया, छत्तीसगढ़ ने सपोर्ट किया, अलग अलग राज्यों से लोग मदद कर रहे हैं, ऐसे में केंद्र से कितनी उम्मीद है आपको? नहीं, मुझे आशा है कि हम भी देश के भाग हैं और निश्चित तौर पर भारत सरकार हमारी बात को सुनेगी और हमें इसमें आर्थिक मदद भी देगी। सर, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि हमें इस वक्त राजनीति नहीं करनी है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मगर इसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि केंद्र मदद कर रहा है मगर जमीन तक वो मदद नहीं पहुंच रही है। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो चारों भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद है वो प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए था जी, क्यों नहीं मिले आज तक? जयराम जी को ये सवाल उनसे भी पूछना चाहिए कि क्यों नहीं मिले। और दूसरी बात ये भी पूछना चाहिए कि गृहमंत्री से मिलना चाहिए था कि प्रदेश आपदा में डूबा हो, सिर्फ वोट्स लेने के लिए मिले? उसमें हमारी कांग्रेस की एक सांसद प्रतिभा सिंह जी भी हैं, वो हमेशा लोगों को मिल रही है, लोगों के बीच जा रही है, ये कहाँ थे? जनता के वोट मांगने के समय होते हैं। तो इस दृष्टि से भी हमें देखना पड़ेगा और हम पर सवाल करने से पहले अपने सांसदों को भी उनको पूछना चाहिए कि क्या कर रहे थे। हम तो सड़कों पर काम कर रहे हैं, हमारे लिए आम आदमी का जो घर उजड़ा है उस घर को बसाने का काम हमारा दायित्व है और हम बसाएंगे। एक एक आदमी का जो उसने अपने पैसा जमा करके घर को बसाया, वो हम बनाया था, वो अगर उजड़ गया, सरकार उसमें पूरी मदद करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से कैमरामैन हरीश के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18।